नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ओम वीर सिंह गार्डनिंग एंड फार्मिंग में। और साथियों, हम रोज किसी न किसी पौधे की बात करते हैं। आज का पौधा हमारा एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, बड़ा ही खूबसूरत सा पौधा है। दोस्तों, हम आए हैं घूमने के लिए, प्रकृति की सुंदरता का नज़ारा देखने के लिए। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जनपद में एक बड़ा ही प्यारा सा स्थान है, बिनसर वैली, बड़ा ही खूबसूरत सा स्थान है। प्राकृतिक सुंदरता की अद्भुत छटा यहाँ देखने को मिली। ये जो देख रहे हैं ना आप तस्वीरें, ये वहीं की हैं। प्रकृति ने अपनी पूरी चित्रकारी यहाँ दिखाई हुई है। शहरों के शोर शराबे से दूर और धूल मिट्टी प्रदूषण के तनाव से दूर, एकदम स्वच्छ हवा के बीच मैंने बहुत सारे पौधे देखे। क्योंकि पौधों से, कृषि से, खेती बाड़ी से, बागवानी से अपना लगाव है, मगर एक पौधा आज मैं आपसे शेयर करूंगा। यही पौधा जो दाईं तरफ ये देख रहे हैं ना, गुब्बारा सा, ये जो बैलून है, ये बैलून प्लांट ये है, ये गुब्बारा पौधा है। और ये पौधे मैं आज इसके बारे में बात करूंगा। और शायद आपने इस पौधे को नहीं देखा होगा, इसे बहुत सारे कॉमन नामों से पुकारा जाता है। और मिल्कवीड परिवार का, जो मिल्कवीड फैमिली है ना, एपोसाइनेसी, उसी परिवार का ये पौधा है। ऑर्नामेंटल प्लांट है, ट्रॉपिकल अफ्रीका का ये मूल निवासी है। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है गोम्फोकार्पस फाइसोकार्पस। और फाइसोकार्पस का मतलब होता है ब्लेडर लाइक फ्रूट, मतलब गुब्बारे की तरह फ्रूट होता है इसका, ब्लेडर लाइक फ्रूट है ये। और इसको हेयरी बाल, बैलून प्लांट, बैलून कॉटन बुश, बिशप्स बाल, नेल हेड, स्वान प्लांट, बैलून मिल्कवीड, एलिफेंट बॉल, मंकी बॉल, बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। बॉल की तरह फ्रूट इसमें आते हैं और ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उगाया जाता है। पेरिनियल हर्ब है, 6 फीट ऊंचा हो जाता है और गर्मियों में इसमें खूब फूल आते हैं। ये समुद्र तल से 2800 से लेकर 5000 फीट की ऊंचाई तक उगता है। मॉडरेट मॉइस्चर इसको बहुत पसंद है। सैंडी और वेल ड्रेन सॉइल में ये बहुत बढ़िया चलता है। फुल सन से इसको चाहिए। और इसका प्रोपेगेशन सीड से भी हो जाता है और इसका प्रोपेगेशन कटिंग से भी हो जाता है। कटिंग से उगा लीजिए। तो हमने जो देवभूमि उत्तराखंड है उसमें जिम कॉर्बेट पार्क, रामनगर, रानीखेत, अल्मोड़ा, बिनसर वैली, नैनीताल, कैची धाम, इन स्थानों का दौरा किया। वहाँ ये पौधा जो मेरे को मिला बिनसर वैली में, जो वो बहुत ही खूबसूरत, इस पर रोए से इसके ऊपर थे और देखने में बड़ा ही खूबसूरत सा ये पौधा लग रहा था। मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इसको पौधे को आपके साथ शेयर करूं। बस ये जो है सैंडी जो हमारी सॉयल होती है और अच्छे जल निकास वाली बलुई मिट्टी में बहुत बढ़िया चलता है। फुल सन में होता है, खुले में उगता है ये, वहाँ पे ये लगा हुआ था। और मॉइस्चर, नमी इसे मॉडरेट मध्यम नमी चाहिए। देखिए कितने सारे इस पे बैलून से लगे, फूल वाला पौधा, फूल भी इसमें खूब आते हैं और गर्मियों में खिलते हैं इसके फूल जो है। और अभी ये मेरे आकार के बराबर, मतलब 6 फुट के करीब, तो ये अभी भी यहाँ पे हो रहा था। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है, मेरे को एकदम अलग लगा ये पौधा। क्योंकि यहाँ देखिए इस पर रोए होते हैं इसके ऊपर, और इसको इसीलिए बैलून प्लांट इसको बोला जाता है। और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का पौधा है, जो इसका ये मूल निवास, जैसे मैंने बताया ईस्ट अफ्रीका इसका मूल निवास है। और देखिए कितना खूबसूरत सा लगता है ये पौधा। तो साथियों, कैसा लगा ये पौधा और ये वीडियो? थैंक यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं।